हाय फ्रेंड्स, जस्ट टू टू के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। और ये हमारा जो टू व्हीलर मैकेनिक का जो बैच है वो फरवरी का बैच है, जिसमें 24 डेज लगभग में कंप्लीट होने जा रहे हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो BA6 वायरिंग हार्नेस का टॉपिक है, जिसमें वायरिंग हार्नेस के विषय में एंड BA6 के विषय में ओवरहॉल ये सीख रहे हैं, जिसमें आज के दिन उन्होंने पूरा कंप्लीट सीखा हुआ है कि स्कैनिंग कैसे करते हैं और फोल्ड को कैसे सर्च करते हैं, कैसे इरेज करते हैं, एंड वायरिंग का कैसे, हार्नेस का कैसे टेस्टिंग करते हैं, सेंसर को कैसे टेस्ट करते हैं और एक्चुएटर को कैसे टेस्ट करते हैं, इनको हमने सबको सिखाया हुआ है। तो अब आगे इनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्या क्या सीखा हुआ है। तो पंकज, आप बताएंगे कि आज आपने BA6 के टॉपिक में क्या क्या सीखा हुआ है, कुछ आप हमारे व्यूअर को बताएंगे क्या? सर देखिए, हम तो ज़्यादा नहीं पढ़े लिखे हैं, 5वीं तक क्लास तक पढ़े लिखे हैं। जी जी जी। अब जस्ट टू टू में आने से इतना कॉम्पिटेंस आया है, जो कोई भी BA6 गाड़ी आएगा अदर कंपनी का तो स्कैन करके और उसके बाद फोल्ड को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, आपने अभी वीडियो में क्या बोला कि हम पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन स्कैनर से तो हमेशा इंग्लिश में लिख कर आता है, फिर इसका समाधान क्या है आपके पास, कैसे इंग्लिश को पढ़ पाएंगे? वो आपने सिखाया कैसे इसको चलाना है, उस ढंग से हम कर सकते हैं, पढ़ा लिखा का कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, तो हमारे व्यूअर को ये मैसेज मिलता है कि जितने भी मैकेनिक भाई हैं, अगर सोच रहे हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो अपने माइंड में नेगेटिव फीलिंग नहीं करना आपको। अगर पढ़े लिखे नहीं है फिर भी हम BA6 का आसानी से काम कर सकते हैं और स्कैन कर सकते हैं और इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो जस्ट टू टू में इस टाइप से सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, है ना। तो मैं नेक्स्ट आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने जो BA6 का आज जो टॉपिक सीखा हुआ है, तो जो आपके पास ये टूल रखा हुआ है, क्या बताएंगे ये टूल का काम क्या है, क्या काम करता है? सर, ये फ्यूल पंप का फ्यूल प्रेशर मेंटेन करता है, उसकी बताता है कि कितना प्रेशर वगैरह है, कितना प्रेशर। यस सर। तो 100cc बाइक अगर रहेगी तो 100cc बाइक में कितना प्रेशर होना चाहिए? 100cc में सर 2.4 होना चाहिए बाल। अच्छा, ठीक है, एक बार उठा के दिखाओ क्या प्रेशर गेज कैसा होता है, किस टाइप से प्रेशर गेज देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छा है। तो अब अजीम, आप बताएंगे कि आपको BA6 की क्लास में वायरिंग हार्नेस में जो आपको सिखाया गया, क्या आपको समझ में आया क्या? जी सर, BA6 के जो प्रोसेस थी उसको पता नहीं था हमें, चेकिंग प्रोसेस और सेंसर का प्रोसेस सभी पता चल गया है, स्कैन करने का टूल नहीं पता था सर हमें, टूल स्कैन कैसे करें, स्कैनिंग जो एक्चुएटर होते हैं, सेंसर होते हैं, इसको कैसे स्कैन करें, कैसे समझे, इसको कैसे रीसेट करें, ये सब पता चला है। सब पता चला क्लास के माध्यम से। अच्छा, कितने समय से काम कर रहे थे आप? मेरे 3 साल का एक्सपीरियंस है सर। 3 साल का? 3 साल का एक्सपीरियंस है। अच्छा, उसमें यहाँ पर सीखने के लिए आए तो बहुत ही मिल गया सर, बहुत ही मिला। आपका कितना साल का एक्सपीरियंस है? 7 साल का एक्सपीरियंस है, 7 साल से काम करते थे, लेकिन BA6 का वायरिंग का नहीं मालूम था। तो जस्ट टूटू में आके खुशी मिला अंदर जस्ट टूटू में आके खुशी मिला हमको। चलो ठीक है, आप लोगों को जस्ट टूटू में आके वायरिंग समझ में आया क्या? हाँ या ना में आंसर देंगे, समझ में आया या नहीं? अच्छा लगा, ठीक है। तो मैं सभी व्यूअर से यही बोलना चाहता हूँ, अगर आपके माइंड में कोई प्रश्न है कि भाई हम BA6 का काम सीखेंगे नहीं सीखेंगे, या फिर एक महीने में जो क्वेश्चन करते हैं कि एक महीने में हम किस तरीके से ट्रेनिंग ले पाएंगे, सीख पाएंगे, अगर हमें इस प्रकार से ट्रेनिंग लेना है, फुल्ली प्रैक्टिकल सीखना है, हमारे जस्ट ऑटो में आके आप सीख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी लेने के लिए हमारे दिए हुए स्क्रीन नंबर पर कॉल कीजिए, ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।